Hey guys, welcome back to my channel. So, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आप सबकी डिमांड पे ये वीडियो जो कि है मेरा रियल टाइम स्किन केयर वीडियो. तो आप सबके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे दी आप अपनी स्किन पे क्या यूज करती है, कौन से प्रोडक्ट आप यूज करती हैं, हमारे साथ डिटेल शेयर कीजिए. सो आई थॉट कि जब इतने सारे आप कमेंट्स कर रहे हो तो मुझे आप सबके साथ अपना स्किन केयर रूटीन, करंट स्किन केयर रूटीन शेयर कर देना चाहिए. एंड गाइस, वैसे भी मैं पहले भी आप सबके साथ अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर चुकी हूँ. अगर आप में से किसी ने भी मिस कर दिया है उसका लिंक मैं आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, चेक कर लेना वो वीडियोस भी. तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ माई करंट स्किन केयर रूटीन वीडियो. अगर आपके लिए हेल्पफुल रहे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और रेड बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना. उसके साइड में छोटू सी घंटी है उस पर प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके. सो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्किन केयर स्टार्ट करते हैं आपके बेसिक से जो हर किसी का कॉमन क्वेश्चन है उससे कि दी आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ग्लोई कैसे रहती है. सो गाइस, दिस इज द रीज़न मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ. कम से कम आपको दिन में 3 लीटर पानी आराम से पी लेना चाहिए. आपकी स्किन के साथ साथ पोरी को भी क्लीन करता है और आपको किसी भी तरह की से कोई भी हेल्थ का इशू नहीं होता. पानी पीने से आपकी स्किन तो अच्छी रहती है, साथ ही साथ आपके लिप्स भी हाइड्रेट रहते हैं. नाउ गाइस, इसके बाद यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है हमारा स्किन केयर रूटीन. तो सबसे पहले मैं अपने हेयर को टाई करना पसंद करती हूँ ताकि यू नो स्किन केयर करते हुए बाल बिल्कुल भी फेस पे ना आए. आप में से कितने जने ऐसे हैं जो मेकअप करना पसंद करते हैं लेकिन उस मेकअप को कभी रिमूव नहीं करते? तो आप अपनी स्किन को ख़राब कर रहे हैं. आपको मेकअप रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप स्किन पे जो भी मेकअप लगाते हैं हर एक मेकअप प्रोडक्ट पे बहुत ही भर भर के केमिकल्स होते हैं. सो मेक श्योर अगर आप फेस पे मेकअप कर रहे हैं तो उसको रिमूव भी ज़रूर करें. तो अगर आप यू नो मेकअप रिमूवर वगैरह नहीं ले सकते हैं तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. तो मेकअप रिमूव करने के लिए करंट में मैं यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का ये विटामिन माइसेलर वाटर. सो ये क्लेम कर रहा है कि ये हाइड्रेटिंग एलोवेरा के साथ है जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लस जो भी मेकअप आपके फेस पे है वो क्लीन करता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन है. तो इस तरीके से आता है. इसमें आपको 2-3 यू नो पैकेजिंग के साथ मिल जाएगा, लाइक एक ग्रे कलर में कुछ आता है, एक पिंक कलर में आता है. सो मैंने अभी ये ट्राई किया है. गाइस, मेरी ये सेकेंड बॉटल है तो ये करंट में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, इसलिए मैं अपने स्किन केयर रूटीन में आप सबके साथ इसे शेयर कर रही हूँ. नाउ मेकअप रिमूविंग वाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी ब्रांड के, या फिर आप यू नो कॉटन पैड्स जो होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं. बट मैं आजकल यूज कर रही हूँ ग्लैम 21 के. ये वेट पाइप्स है तो विंटर टाइम में आपकी स्किन को यू नो बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करते, इसलिए मैं आजकल इसे यूज कर रही हूँ. कम होने वाले हैं तो आप ये वाला मेकअप रिमूवर यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं या फिर आप गार्नियर का माइसेलर वाटर भी यूज कर सकते हैं. तो आया आपको समझ में कि अगर आप मेकअप रिमूवर यूज नहीं कर रहे हैं, मेकअप को रिमूव नहीं कर रहे हैं तो आपकी स्किन पे कितने सारे यू नो इन्फेक्शन हो सकते हैं, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है. इसके बाद अब बारी आती है क्लींजर की. सो गाइस, क्लींजर के लिए मैं आजकल यूज कर रही हूँ साइटोफिल का ये क्लींजर जो कि काफी ज्यादा अच्छा है. ये मेरी स्किन को यू नो मेरी ड्राई स्किन है तो मेरी स्किन को काफी जेंटली यू नो हाइड्रेट भी करता है. जो मेरी स्किन का ऑयल है, ड्राई स्किन है तो ऑब्वियसली अगर मैं कोई हार्ड फेस वॉश यूज करूंगी तो जो भी मेरी स्किन का ऑयल है सारा नेचुरल ऑयल चला जाएगा. तो इसलिए मैं ये वाले यूज करती हूँ जो कि मेरी स्किन को डीपली हाइड्रेट रखता है, प्लस मेरी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, काफी ज्यादा अच्छा है. ये आपको ओपन करके दिखा देती हूँ कि कैसा है ये. सो व्हाइटिश कलर में, थोड़ा सा ट्रांजी टाइप में है एज यू कैन. यहाँ पर मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं. तो अगर आपको यू नो कुछ भी परचेज करना हो तो इजीली आपको मिल जाएंगे, नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक. आप में से कितने जने ऐसे हैं जो स्क्रब यूज नहीं करते और बोलते हैं कि हमारी स्किन बहुत ही रूखी रूखी सी अजीब सी रहती है? तो गाइस, आपको स्क्रब यूज करना चाहिए. एंड करंट में मैं यूज कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये रोजहिप स्क्रब जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है. यू गाइस नो कि मुझे रोजहिप की ये जो गुड वाइब्स की रोजहिप रेंज है मेरी फेवरेट है, क्योंकि स्किन को ना एकदम बटर की तरह सॉफ्ट कर देती है, हाइड्रेट रखती है बहुत ही अच्छी से. इसमें से फ्रेग्रेंस आती है बहुत ज़्यादा अच्छी है. अगर आप में से किसी ने यूज़ नहीं किया ना, यूज़ करके देखिएगा और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी. साथ ही साथ ये जो प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है. सो अगर आप टीनेजर्स हो तो डोंट वरी गाइस, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, प्लस आपकी बजट फ्रेंडली होने वाली है. नाउ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है. एंड यहाँ से अगर आप इसे ओपन करके देखते हैं, ये है हमारा स्क्रब जो कि इसमें नाम लिखा हुआ है रोज हिप स्क्रब है. ये आपकी स्किन पे ग्लो करता है, रेशे से मिल जाएंगे जो कि आपकी स्किन पे जो भी डर्ट वगैरह है, डेड स्किन है, उसकी लेयर को हटाता है और आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लोई और स्मूथ बना देता है, प्लस रोज की तरह ही ग्लो देता है. नाउ इसके बाद अब बारी आती है फेस मास्क की. तो गाइस, फेस मास्क भी आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना चाहिए. अगेन मेरे पास गुड वाइब्स का यहाँ पे स्क्रब है जो कि अगेन रोज हिप ये स्किन इल्यूमिनेटिंग फेस स्क्रब है. आपकी इससे बहुत ज्यादा ग्लोई हो जाएगी. एंड यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स मैं ज्यादातर यूज कर रही हूँ वो मेरी स्किन को काफी
ही हेल्दी प्लस ग्लोई दिखाते हैं। तो रोज हिप रेंज यहाँ पे गुड वाइब्स के जो प्रोडक्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, तो यूज़ करके देखिएगा, आपको पसंद आएंगे काफ़ी। तो गाइस कुछ इस तरीके से यू नो पैकेजिंग में आता है ये। यहाँ से ओपन करने के बाद ये ओपन करते ही सीरियसली इसमें से इतनी तगड़े वाली खुशबू आती है ना, ये इस तरीके से है जैसे रोज़ के पत्तों को पीस के इसे बनाया गया है। बहुत ज़्यादा स्किन को ग्लो करता है और इस तरीके से कुछ आता है, और आपको दिख भी रहा होगा कि मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। इसकी फ्रेग्रेंस अमेजिंग है। सो गाइस मास्क के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये। अगेन आपको ये यूज़ करना है वीक में 2 times। नाउ इसके बाद है टोनर। तो मैं अगेन गुड वाइब्स को रोज़ टोनर यूज़ करती हूँ। ये रोज़ ग्लो टोनर है, मेरे फेस पे एक ग्लोई ग्लो इफेक्ट देता है। तो फिर स्प्रे बॉटल के साथ आता है और इस तरीके से ऑल ओवर फेस एंड नेक पे आपको इसे यूज़ करना है। आफ्टर दैट यूज़ करने के बाद इस तरीके से अपनी फिंगर की हेल्प से ना इसे स्किन में पुश कीजिए कि ये अपना काम अच्छे से करे। एंड ये जो स्किन केयर रूटीन मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसे मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं, लाइक दोनों टाइम में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से मेरी स्किन में एब्सॉर्ब हो गया। नाउ इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का माराकुजा फेस सीरम, जो कि कुछ इस तरह की पैकेजिंग के साथ आता है। अगेन ये अफोर्डेबल है। सो ये क्लेम कर रहा है ये स्किन क्लियरिफाइंग फेस सीरम है, जो कि सीरियसली अमेजिंग है। इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, पैराबिन एंड सल्फेट फ्री है ये। एंड आपके फेस पे अगर किसी भी तरह के कोई भी मार्क्स हो गए हैं तो यूज़ दिस सीरम, ये उन मार्क्स को यू नो थोड़े टाइम बाद क्लियर कर देंगे अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो। नाउ इस तरीके से मैं इसे स्किन में पुश कर रही हूँ। फेस पे कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसे नेक पर भी ज़रूर यूज़ करें ताकि ग्लोई ग्लोई इफेक्ट दिखे और बिल्कुल नेचुरली ये ग्लो रहे। एंड गाइस यू कैन सी दी ग्लो, इसे यूज़ करते ही फेस पे कितना बढ़िया वाला ग्लो आ गया है। सी नाउ गाइस लिप बाम के लिए मैं यूज़ करती हूँ मेरी ऑल टाइम फेवरेट मेबेलिन की बेबी लिप्स लिप बाम। कि आपकी लिप्स पे करीबन 2-3 hours तक स्टे रहती है और साथ ही साथ ये कलर वाली लिप बाम है तो एक नेचुरल सा यू नो कलर भी आ जाता है, पिंकी पिंकी ग्लो सा। नाउ गाइस इसके बाद मैं यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स की ये जेल क्रीम, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये गुड वाइब्स प्लस की रेंज है, एलोवेरा है इसमें, जो कि हमारी स्किन को काफ़ी अच्छे से यू नो स्मूथ करता है, हाइड्रेट रखता है, प्लस सतीवा सीड है इसमें। एंड ये क्लेम कर रहा है कि ये स्किन को हाइड्रेट करता है और जो सतीवा सीड है वो आपकी स्किन पे एक सॉफ्टनेस लेके आएगा। एंड ये जेल क्रीम है जो कि कुछ इस तरह से है। और इसे यूज करते हुए करीबन अभी मुझे 15 डेज के आसपास हुए हैं और इसका एक्सपीरियंस मेरा काफी ज्यादा सही रहा है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सो एज यू कैन सी कुछ इस तरीके से यू नो वाटर बेस्ड टाइप में जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं उस काइंड में है ये। और जस्ट आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे अपने फेस पे अप्लाई करना है, नेक को कभी भी अवॉइड ना करें। नाउ अपने फिंगर की हेल्प से अगेन आपको इस तरीके से इसे स्किन में पुश करना है ताकि अपना वर्क काफी अच्छे से करे। नाउ गाइस नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ अंडर आई क्रीम, जो कि मेरे डार्क सर्कल्स को यू नो क्लियर कर दे। सो इसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मेरे डार्क सर्कल्स में काफ़ी फ़र्क भी आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से काफ़ी थिक फॉर्म में आती है, लाइक वाइट इन कलर है और काफ़ी ज़्यादा थिक फॉर्म में आती है। हल्का सा प्रोडक्ट ही आपको अपनी यू नो अंडर आई एरिया लाइक इस तरीके से और आईलिड पर अप्लाई करना है। जैसे ये अंडर आई क्रीम में यूज़ कर रही हूँ, इस स्टेप को बहुत से लोग यू नो नाइट टाइम में ही यूज़ करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी अगर आप आई मेकअप वगैरह कर रही हैं तो आप इसे डे टाइम में भी यूज़ करें, क्योंकि जब 2 times इसे आप यूज़ करोगे तो इसके इफेक्ट भी उतने ही जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। इसे अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प से स्किन में पुश करना है लाइक दिस। नाउ इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स प्लस का ये एलोवेरा लोशन। सो गाइस ये क्लेम करता है ये एलोवेरा के साथ है, जो कि आपकी स्किन को हेल्दी रखता है, प्लस विटामिन ई है इसमें, एज डिफाइन करता है ये और स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये डे लोशन है विद मिल्क प्रोटीन के साथ। तो सो नेक्स्ट स्टेप मैं ये फॉलो करती हूँ। सो इस तरीके से डॉट डॉट्स में जस्ट आपको इसे फेस एंड नेक पे अप्लाई करना है, अगेन अपनी फिंगर की हेल्प से इसे स्किन में पुश करना है। नाउ लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन। तो मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स की, ये SPF 30 PA++++ के साथ आती है। गाइज ये था मेरा करंट स्किन केयर रूटीन एंड आई रियली होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी परचेज करना हो तो लिंक हर चीज के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।